भाई इसका फोन खराब हो गया, शॉप पे आए थे। हाँ ये मुझे फोन का कवर अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कढ़ाई नहीं होती गुथी हुई उसमें सूट में होती है जैसे। कह रहे अभी लॉन्च हुआ है, देखते हैं कब तक लॉन्च होता है और कितने का बिकता है। वैसे इसका प्राइस 350 रुपये आईफोन का भी। आईफोन का ये वो भी तो भाई ये वो आए नहीं भैया, चल बोल दे यार कौन। सो हम घूम रहे हैं कोटद्वार झंडा चौक, यहाँ पे आए हैं सालू का फोन ठीक कराने जो कि उसके हाथ से गिर गया है। सो गाइस आप देखोगे यहाँ पे कितनी बड़ी मस्जिद भी है कोटद्वार में। क्लेचर वाओ यार, क्लेचर भी अच्छे हैं, आप देखो कितने सुंदर सुंदर हैं। तितली वाला है ये देखो प्यारे हैं। सिंगल वाली ये नहीं है, 10 रुपए की है। ओके पे काम आ जाए। सो गाइस दीदी बोल रही है कि ये ले लो हैरी के लिए, कितनी छोटी सी अलमारी है ये। चलो रख दो उठाओ। ये मैडम सुबह सुबह अपना ड्राइंग लेके बैग गई है, रात यार हम शॉपिंग करके आए उसके बाद हम कब सोए कब जागे कुछ पता ही नहीं चला। दिखा शालू क्या बनाया, शालू ने देखो ये बनाया और इसमें से कॉपी करके, ये कॉपी करने में माहिर है। नहीं यार सभी बच्चे करते हैं कॉपी पढ़ाई के लिए। तो मैं भी आपको दिखाऊँ, शालू दिखाएगी अभी कि मैं मार्केट से क्या क्या लेके आई हूँ, है ना शालू आज दिखाएगी ना। चलो तब तक के लिए बाय, पराठा बना लेते हैं। हमारी मम्मी हॉस्पिटल से आ चुकी हैं और डॉक्टर ने बोला है खूब सारा फ्रूट खाना है, तो मम्मी ने इतना फ्रूट खा दिया उनसे खाए नहीं जा रहा, हमें खिला रही है। मम्मी की रिपोर्ट कहाँ है भाई, रिपोर्ट दिखाओ कहाँ है। मम्मी चली गई रिपोर्ट दिखाने, मम्मी कितनी एक्साइटेड है रिपोर्ट दिखाने के लिए। ये देखो भैया ये है सुनीता देवी, ये हमारी मम्मी की रिपोर्ट है। हमारी मम्मी गई थी डॉक्टर के पास सुबह सुबह। अरे यार खुलेगी नहीं है क्या? चलो रखते हैं हरी है? खालो खालो तो जा दर्द कैचे ऐचे ऐसे। बात हमारे घर में बन रही है भांग की चटनी, तो आप देख पाएंगे इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। एंड ये है हमारा पहाड़ी भांग, देसी भांग भी होता है पर ये हम ना पहाड़ी भांग ही डाल देते हैं इसमें ना। ये इस तरीके से इसमें जाएगा पर धो के जाएगा, दीदी बोल रही है थोड़ा बल माटू रहन बल माटू। तो ये हमारी मिक्सी, दीदी पीसेंगी, मैंने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, अब दीदी खाना रेडी कर। ये पत्ते नहीं दिखाई दे रहे, पता नहीं क्या देख ढूंढ रही। काले हो रहे थे ना अभी तो, ये सड़े धनिया के पत्ते काले, ये गंदे गंदे क्यों डाल रहे हैं। तो दीदी आपकी आंखों से काली चीजें दिख नहीं रही है, ये गंदे हैं ये देखो। अच्छा शालू बेबी से क्वेश्चन किया जा रहा है, शालू बेबी आपकी मम्मी की शादी को कितने साल, 19 साल। शालू तो सच्चाई नहीं बताते बेटा, 25 साल बोलते हैं अपनी मम्मी की शादी को। भाई 19 साल हुए हैं, ऐसे लोग मेरी एज को जज नहीं करेंगे फिर क्या फायदा तुम्हारे लिए रिश्ते आने लग जाए। मम्मी YouTube से आए अरे मेरे लिए, मम्मी के लिए नहीं। अरे मम्मी दीदी तुम अपने बारे में क्या सोच रही हो, उसके लिए मेरे लिए रिश्ते आने लग जाए तुम परेशान हो जाओ। नहीं दीदी बोल रहे लड़का अच्छा होना चाहिए, रिश्ते चलेंगे, हमारी बेटी को खुश रखे, हमें धन दौलत कुछ नहीं चाहिए गाइस। क्यों तुम लड़के वाले हो, ये लड़के अरे तुम ये लड़के वाले देते हैं, लड़के वाले लेते, तुम लड़के वाले, तुम लड़की वाले हो। अच्छा लड़की तो उन्हें तो सालू के हस्बैंड तरफ से दहेज बहन है, पर लड़की इस लड़की के लिए भी यही सोच कर रहे हैं, पर देखते हैं कि भगवान की मर्जी के नाम पे यहाँ भांग भी डाल दिया है।
से मैं सख्त खिलाफ हूँ, दहेज देने वालों से भी या दहेज लेने वालों से। तो कालू की शादी में तो लोग है? नहीं नहीं देखो बोलते हैं बेटी न लूंगी। हाँ बस वो उनकी मर्जी है, जो लाएगा अपने लिए लाएगा, हाँ नहीं तो हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान का आशीर्वाद बनाए रखे हमारे ऊपर, बस इतने का है। गाइस दीदी ने ये मंगाया इंस्टाग्राम से ऑयल, तो प्लीज रिक्वेस्ट है इंस्टाग्राम से ये वाला ऑयल तो आप बिल्कुल भी मत मंगवाना, बिल्कुल भी। दीदी इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में बस इसे डस्टबिन में गिर दो, 400। तू क्या बोलना चाहेगी? 499 मतलब बोलना चाहूंगी, अगर आदिवासी आपको सच्ची में बनना है, आदिवासी आदिवासी बनना नहीं है, आदिवासी तेल से अगर आदिवासी बनना तो बन जाओगे। नहीं बन, अगर ये आपको आदिवासी बनना है तो अपने घर का सरसों का तेल लगाओ, ठीक है, उसमें कड़ी पत्ता डालो, मेथी डालो, आदिवासी तेल बन जाएगा। ये डस्टबिन ये देख रहे हैं हम, डस्टबिन में फेंकने के लिए रख रखा दीदी ने। दो सीसी आई थी बेकार है गाइस, बेकार है, इंस्टाग्राम से तो बिल्कुल भी मत लेना। और ये वाला गंजू टकलू जो भी आपको दिख रहे हैं इस लेडीज के लंबे बाल, ये तो बिल्कुल भी मत लेना आप। सही कह रही, ये गंजू टकलू दिखा रखे हैं आपको, ऐसे दिखा रखे हैं कि बस नहीं, जब ये टकलू दिखाया आपको तो ये आदमी दिखाना था ना फेस, ये औरत क्यों दिखा दी? औरत के तो लंबे बाल होते ही हैं। हाँ यार ये हरी ने सॉफ्ट, ये हमारे बच्चे हैं कुछ इस टाइप के, डाल दिया हरी क्या जिग्या, ये मुट्ठी भर के ऐसे खा रिया है। कैसे खाते हो? वीडियो तो बनती रहेगी बेटा, मैं चली भी जाऊंगी तब भी आप जाओ। डिस्काउंट अरे सांप सांप की तरह क्यों डस रहा है यार। दीदी आपने तो आम मंगाए थे, इसमें तो आम भी आए हैं। आपने आम मंगाए पर इसमें फ्रिज में तो आम भी आए हैं। ये लो दीदी, दो पत्ते हैं, एक अंच पत्ते हैं, ये लो दो फूल। मम्मी रील रील शूट करिए, ये बन गई हमारी जुगाड़ी। So guys, इस बहू को पाके हर कोई खुश हो जाएगा, क्योंकि ये मशीन से नहीं वॉशिंग मशीन का खर्चा बचाने, वॉशिंग मशीन का। अब परी कह रही मैं भी घुमा के देखती हूँ। चलो परी घुमाओ, तुम भी घुमाओ। ये बनी है हमारी भांग की चटनी, बड़ा खाना खा लो, सिर में नहीं रखते, खा के दिखाओ कैसे। आए हाय खाओ खाओ जल्दी खाओ, आए हाय ऐसे कर दिया। गुड इवनिंग एवरीवन, मौसम देखो दीदी के यहाँ का कितना अच्छा है। शाम के 6:30 बज रहे हैं एंड दीदू ने बोला कि चलो एक रील शूट करते हैं, तो मैंने उठाए मिनी ट्राइपॉड और वॉच डाला एंड थोड़ा सा बिहारी लुक क्रिएट किया। शालू के जूते पहने, ये हैं शालू के जूते, और मैं आ गई ऊपर। अब हम शूट करने वाले हैं एक रील, आई डोंट नो कि वो किस तरीके की बनती है, जैसी भी बनेगी आप चेक करना। चलो अब ये दीदी की छत का ना आप देख रहे हो इधर, वाओ पूरा कपड़ा, उधर देखो पीछे पहाड़ भी है यार। इधर ना यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, दिन में तो गर्मी होती है 11 बजे से लेके 4 बजे तक,
और जैसे ही मौसम इधर उधर होता है ना एकदम ठंड हो जाती है, जैसे कि ये वाला टाइम है अभी ना, थोड़ा सा कैसा हो रहा है ठंडा मौसम हो रहा है। तो एक दीदी को ना वीडियो अच्छी लग रही है तो हम वही शूट करने आए हैं ऊपर, और दिन में खाना खाया था, कितना टेस्टी खाना बना और भांग की चटनी साथ में, मज़ा आ गया। तो चलो मैं इसको खोलती हूँ और रील बनाते हैं। घर यार आ जाने का सोच रहे हैं, फिर लगा कि नहीं कल जाएंगे क्योंकि मम्मी की रिपोर्ट आनी बाकी है, अभी थोड़ी देर में लेने जाएंगे, देखते हैं। अल्ट्रासाउंड तो मम्मी का ठीक आया एंड खून की जांच को देखते हैं अभी क्या है। और यहाँ पे कितने मोटे मोटे आम लगे हैं देखो, ये है कोटद्वार, मोटे मोटे ने नच चली गोली। सो गाइस ये जूते इतने टाइट आ रहे हैं ना, मैंने निकाल दिए। गाइस हम अपना बेस्ट देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे पर क्या करें अंधेरा हो गया, हमारा बेस्ट देते देते। गाइस आप दीदी से कुछ पूछना चाहेंगे, बेस्ट देते देते क्या हो गया? बेस्ट देते देते रात हो गई। और गाइस इन जूतों ने इतना परेशान कर दिया ना, आइए देख लो मैं नीचे तक इनको पहन के भी नहीं जा सकती, इतने टाइट हो रहे थे। साल का पैर छोटा है यार, आप रहने तो मैं चले जाऊंगी। सो यहाँ पे आई हूँ मैं मम्मी की रिपोर्ट लेने। ओहो सेकंड फ्लोर ये मम्मा, यार यहाँ तो लग रहा कोई भी नहीं है, सेकंड तो यही है। साफ साफ लिखा हुआ कहाँ पे है पता नहीं, कहाँ पे डॉक्टर साहब तो है नहीं। सो यहाँ पे रिपोर्ट हुई है मम्मी की, देखो यहाँ सारी जांचें होती है। मुझे लग रहा है मैं दीदी के घर आके ना बहुत मोटी हो गई हूँ, चला भी नहीं जा रहा। स्कूटी में अटैक हो गया। सुनीता देवी, ओके थैंक यू। सो ये मेरी मम्मा की रिपोर्ट आ चुकी है, वैसे सही है ठीक है कह रहे हैं। इसमें ऐसा लग रहा कहीं गिर ना जाए यार, ऐसे कौन बनाता है देख रहे यार। तो गाइस मेरी मम्मी चिल्ला रही थी, क्यों चिल्ला रहे थे मम्मी? कोई बुजुर्ग आदमी था ना उसे भी समय पर खा लेता तो आँख नहीं दिखती। तो मम्मी इतनी चिल्ला रहे थे आप, हमें लगा कि आप कुछ स्कूटी में ठोक दिया किसी ने। नहीं मैं तो यहाँ पे लगा रही थी, आ जाओ भाई हेल्प करनी चाहिए। वही तो, और वही कह रहा था मैं डॉक्टर, कह रहा मैडम जी मैं पेशेंट से बात कर रहा था। यार भीड़ बहुत हो रही है आज, कल तो फटाफट नंबर आ गया था। मम्मी की दवाई छोटा कर चल आप वो कर कैसा लग रहा है बता दो। बैग 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 ये लो बैठ गई भाई। अरे मैं इतनी बड़ी हूँ बैठ गई। अरे मेरे कैसा लग रहा है हैरी? दिखाओ इधर दिखाओ विशु, विशु कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आओ दोनों आओ, हैरी विशु इधर आओ, दिखा दो दिखा दो। ये रुक जाओ एक मिनट फोटो खींच रही हूँ, दिखाओ हैरी फोटो 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 फोटो। क्या वाओ वाओ अश अश छोटी वाले पापा आ गए हमारे घर। तो गाइस हमने नाइट का खाना खा लिया है, और परी देखो नाइट में विशु को पीछे, पता है आपको वो भी है विशु। विशु पैर थोड़े अलग अलग कर ले, अलग कर लेना पैर फंस जाते हैं बेटा, पैर फंस जाते हैं पैर। मम्मी से तो भाई ने डरा दिया, तेल डाला दूंगा। जब ये इतनी बड़ी दीदी कार्टून देखेगी तो ये बच्चे क्यों नहीं देखेंगे?
हैं? क्या देख रही है? ये भगवान कौन समझाएगा? विशु हैरी ब्लू, विशु हैरी उठो, दीदी को देखने दो, दीदी बहुत छोटी बच्ची है। यहाँ पे फोड़ा जा रहा है सिद्ध बलि का गोला और महारानी बनी हुई हमारी शालू। शालू फोकस इधर प्लीज। शालू बोलती है मुझे गोला फोड़ना बहुत अच्छे से आता है। ओ बेटे, ओ बेटे, गोला गोला फूट गया है, नारियल फूट गया है, वीडियो वायरल हो गई है, जरूर देखना। ओ बेटे, ओ बेटे, गोला फूट गया, वीडियो वायरल हो गई है। ये शिवगली मंदिर का प्रसाद है हमारा और अब हम इसको खाएंगे। हमारे घर एक चुड़ैल रहती है, गोरी गोरी चुड़ैल, काले बालों के अंदर। देखो देखो इतने काले बाल आपको दिख रहे हैं ये? अब जब मैं इन बालों को हटाऊंगी तो गोरी चुड़ैल निकलेगी। देखो चुड़ैल दीदी को पिटती बेटा तो खुद इतनी है, देख 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 गिर। चुपो छुपाई, चुपो चुपो यहाँ पे, हाँ पर दीदी आप गिर जाओगे। गाइस हम सब लोग यहाँ हैं और ये दोनों यहाँ है। चुपन चुपाई बोल मेरे भाई, छी नाक भी निकल रही है।